राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी चक्रव्यूह रचती है और बार बार चक्रव्यूह तोड़ देते हैं। देखिए, एक बार इस देश की जनता ने थोड़ी सी सीटें उनको ज्यादा दे दी। मैं बड़े दावे के साथ कह रहा हूं, ये राहुल गांधी की काबिलियत पर नहीं मिला है, ये राहुल गांधी का काबिलियत नहीं है। ये कुछ समीकरण ऐसे बने, जैसे उत्तर प्रदेश से अखिलेश जी को जरा कांग्रेस से हटा दीजिए तो देखिए कि राहुल गांधी कितने बड़े योद्धा हैं। तो बैसाखी पर जो हर जगह टिके हुए हैं और आज वो चक्रव्यूह तोड़ने की बात कर रहे हैं, वो अपनी तुलना जो है अर्जुन से कर रहे हैं, मन्नू से कर रहे हैं, जो खुद बैसाखी पर टिके हुए हैं। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि चक्रव्यूह रच के ऐसे मैंने संसद में बयान दिया चक्रव्यूह वाला, तो ईडी मेरे घर पे भेज रहे हैं, मुझे जानकारी मिली। खैर, इसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन ये लोग बड़े मुगालते में आ गए हैं और कहते हैं कि जाको प्रभु दारुण दुख दीना, ताकि मत पहले हर लीना। आप देखिए, इन्होंने कहा कि हिंदू हिंसक होता है, ये राहुल गांधी की क्या सोच है, क्या उनके विचार हैं, उनका सलाहकार कौन है, वो स्वयं पछताएंगे। उन्होंने कहा हिंदू हिंसक होता है, क्योंकि ये चुनावी शोर था, ये मामला दब गया, लेकिन आने वाले समय में बड़ा मामला बनेगा। हिंदू हिंसक नहीं हो सकता। तो राहुल गांधी क्या बोलते हैं, उनके कुछ लोग हैं जो वामपंथी विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी स्पीच तैयार कर देते हैं, वही वो बोलते हैं। जैसे नजूल विधेयक की बात हो रही है, तो इस पर आप पर्सनल सिंह की क्या राय है? देखिए, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि किस मंशा से ये नजूल विधेयक लाया गया, और या तो बहुत अच्छे से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश नहीं की गई, और जो मंशा दिखाया गया कि जो इस पर जो है सरकारी कामकाज होंगे या सरकार अपने उपयोग में लेगी, लेकिन जैसे गोंडा शहर है, ये पूरा शहर 70% जो है नजूल पर बसा हुआ है। आगरा है, अयोध्या है, यहाँ तक कि जहाँ तक मुझे जानकारी है कि अयोध्या के जो प्रमुख मंदिर हैं वो भी नजूल पर हैं। तो इस तरीके से एक मंदिर नहीं टूटेंगे, हजारों टूटेंगे। सरकार की मंशा ठीक है, लेकिन उनको शायद ये नहीं पता था, या उनको ये नहीं पता है कि कितने लोग बसे हुए हैं। उनको ये सरकार को या जो लोग, ये बताया गया कि नजूल के भूमि को कुछ भूमाफिया, कुछ बड़े लोग कब्जा करके रखे हुए हैं, उससे उनकी मुक्ति कराई जाए, सांसद जिस तरीके से अरे हो जाए पूरा कराई जाए। उनको ये नहीं पता है कि जैसे प्रॉपर एक तरीके से, प्रॉपर एक तरीका जो होता है, किसी सरकार ने उनको पट्टा दिया, बनवाने का परमिशन दिया, फिर कुछ लोग उस पर चल रहे हैं, कुछ लोगों ने अपने पट्टे को बेच दिया, कुछ लोगों के फ्री होल्ड भी हो गए हैं, बहुत बड़ी मात्रा में फ्री होल्ड भी हो गए हैं। तो और इसीलिए इस विधेयक का बड़े व्यापक तौर पर विरोध हुआ, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने जनभावना को समझा और इसको सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया गया। अब सेलेक्ट कमेटी में जाएंगे, विधायक भी जाएंगे, उसमें रहते हैं, सभी लोगों को अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा। लेकिन अगर एक लाइन में पूछा जाए तो इस कदम से उत्तर प्रदेश में भूचाल आ जाएगा। चुनाव के दरमियान आपने प्रचार में बहुत जोर से कहा था कि कहाँ जाम लगता है, कहाँ पुल की आवश्यकता है, तो कल मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, ऐसे में क्या इस विषय पर भी कुछ बात होगी? क्योंकि 2 साल से गोंडा में जो सड़कों का जाम है, विकास कार्य थे,
वो सब रुके पड़े हैं। तो कल मुख्यमंत्री आ रहे हैं क्या कुछ गोंडा को? हमको लगता है मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं और वार्ता भी हुई है और मुख्यमंत्री जी के पास प्रतीक भूषण भी गए थे, करण भी गए थे और बाईपास का मन मुख्यमंत्री जी बना चुके हैं और बहुत शीघ्र जो है गोंडा के लोगों को बाईपास मिल जाएगा। नेताजी वक्फ बोर्ड के खिलाफ भी विधेयक लाने की बात की जा रही है और ऐसे में लोगों का ये कहना है कि सरकार वक्फ की बोर्ड पर अपना नियंत्रण रखना चाह रही है, इसलिए विधेयक लाना चाहती है। देखिए वक्फ बोर्ड की मुझे जानकारी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जैसे वक्फ की कुछ ज़मीनें हैं तो उस पर भी यही बताया गया होगा नाजायज़ कब्जा है या जो कुछ, तो उस पर से मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। जब विधायक कभी सामने आएगा, अब जैसे नजूल को विधेयक लेकर के आना गलत नहीं है, लेकिन उसको गंभीरता से देखा नहीं गया कि इससे कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं, कौन लोग प्रभावित हो रहे हैं। तो उसी प्रकार से ये वक्फ बोर्ड का प्रकरण है, अभी ये हमारे सामने नहीं है। वक्फ बोर्ड के पास ज़मीनें हैं और वक्फ बोर्ड की ज़मीनें कब्जा भी हुई है, तमाम लोग कब्जा किए हैं। अब सरकार जब लाती है तो क्या लाती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एक बार आरोप लगा रहा कि बीजेपी हमेशा वक्फ बोर्ड के जमीन के खिलाफ नहीं है, नहीं ये कहना गलत है। कुल मिलाकर गोंडा को रिंग रोड मिलने वाला है बहुत जल्दी। हाँ हमको तो लगता है कि मुख्यमंत्री जी ने मन बना लिया है। तो सांसद जी अखिलेश यादव ने इस तरीके से पूरे प्रदेश में लगातार हो रेप की घटनाओं को लेकर कहा है कि DNA टेस्ट करा करके तब आरोपियों को जेल भेजा जाए, तो आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी ने आरोपियों का DNA टेस्ट कराया है? मायावती ने कह दिया कि समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो कितना DNA टेस्ट कराएगा, बहुत रेप। अब उन्हीं दोनों लोगों को लड़ने दीजिए, बीच में उसको मत लाइए। अच्छा जिस तरीके से कई साल बाद जो ओलंपिक में हॉकी से फाइनल पहुँचा है, किस तरीके से देख रहे हैं इसको? नहीं अगले ओलंपिक में भी पहुंचा था सेमीफाइनल में, अगले में तो शायद फाइनल में, सेमीफाइनल में। अच्छा देखते हैं हॉकी पर अच्छा काम हुआ है। अच्छा ओलंपिक में भारत कुश्ती में कितने पद मिलने वाले हैं? अभी जब आ जाए तब बताएंगे। क्या लगता है हम जोशी नहीं हैं?